सो एक्सरसाइज वन के पार्ट वन से सेक्शन ए से ए 5 6 डी को 4, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। फिर बी फोर सी फाइव लीव कर सकते हो जिनको डाउट्स नहीं है। सी फाइव बताओ भाई। बस चलो फिर सॉल्व करते हैं अपने। बी थ्री बी फाइव सी टू डी फोर लिखा हुआ है। एक्सरसाइज वन के पार्ट वन का ए6 बी वन का ए बी2 बी4 बी5 टू एंड फाइव, ठीक है। बस ठीक है कर लेते हैं फिर। ए में 4 5 6 A4 की बात करते हैं। डिफाइन द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल विच हैज मोर देन वन डोनर साइट इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल अपन ने पढ़ा था, एम्बिडेंट ना न्यूक्लियोफाइल विच हैज मोर देन वन डोनर साइट। तो आप कोई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आप ऐसे लिख लो, लो भाई इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो हो गया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, या फिर आप ऐसे लिख लो ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, मोर देन वन डोनर साइट्स, दे आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो दैट इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कुछ इसमें ऐसे कुछ था नहीं, बस अपन को एग्जांपल लेके डिनोट करना था कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। फिर ए फाइव में गिवन है इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द लीविंग एबिलिटी ऑफ द ऑर्डर इज। हाँ, तो इन सबको एसिड जैसे कैलकुलेट करो ना। ए फाइव में सबको एसिड बनाओ, और स्ट्रॉन्गर द एसिड मोर इज द लीविंग एबिलिटी। तो अपने पास गिवन है CF3SO3H, ये तो बहुत बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा एसिडिक यहाँ कुछ और भी होने वाला है। C6H5SO3, ठीक है, ये ज्यादा एसिडिक है इससे, दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। CH3O-, ये तो फिनॉल है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा फिनॉल से। वो एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा ना मैंने, और लेकिन ये कम एसिडिक होगा एसिडिक एसिड से। तो ये सबसे ज्यादा हो गया, फिर ये सल्फोनिक ग्रुप, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिनॉल इज लेस एसिडिक ना। इधर तो CF3 का विड्राइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, कल भी अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, दैट CF3 हैज मैक्सिमम विड्राइंग इफेक्ट। सो स्ट्रॉन्गर द एसिड बेटर द लीविंग एबिलिटी, ये अपन ने पढ़ा होगा। दूसरा अपने पास था A6B है। लेबल द सॉल्वेंट प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये पहला वाला अब अपन प्रोटिक लिख लेते हैं और एप्रोटिक लिख लेते हैं। प्रोटिक मतलब जिसमें OH और NH बॉन्ड होंगे वो प्रोटिक होता है, और एप्रोटिक जिसमें ये नहीं होगा लेकिन पोलैरिटी होगा। सो एप्रोटिक, सो इसमें पहले वाले में OH नहीं है, एसेटोनिट्राइल में भी OH नहीं है। एसेटोनाइट्राइल आपको आना चाहिए, CH3C BBN इज एसेटोनाइट्राइल, ये आप फॉर्मूला देख लेते हैं। एसिटिक एसिड में OH है सो इट इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट। डी वाले में इट इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट और ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ये भी ए प्रोटिक सॉल्वेंट। NH है तो प्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें NH नहीं है तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट। साइक्लोहेक्सेन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट तो ए प्रोटिक में डाल देंगे। अमोनिया इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट।
एफ वाला था, एफ वाला एनएच होने की वजह से हो गया, दैट इज प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। दिस इज एक्स सिक्स, बी की बात करते हैं। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड द रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम। पहले वाले में आपने हाइड्रोजन का एडिशन किया, इट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, पहला वाला हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, राइट। तो बी वन की बात करते हैं। दूसरा वाला रिएक्शन एनएच टू के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इसमें अपन को पता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में अपन कहेंगे देख भाई, यहां से कुछ हटा के किसी और से सब्स्टिट्यूट कर दो। सबको पता है व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले वाले में आपने ऐड किया, सब्स्टिट्यूट नहीं किया। दूसरे वाले में सीएल को हटा के एनएच टू लगाया, सब्स्टिट्यूशन होगा। थर्ड वाले में OH, I को हटा के OH लगाया, सब्स्टिट्यूशन है। CHO और KCN ऐड किया है आपने, HCN आपने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कुछ ऐसे नहीं था कि कोई केमिस्ट्री पूछी। एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब है जैसे पहले मैंने कहा कि भाई ये एडिशन रिएक्शन, वहां से कुछ हटाना नहीं, बस इसमें कुछ ऐड कर देना है उनको, तो वो एडिशन रिएक्शन। तो पहले वाले में केसीएन एडिशन रिएक्शन होगा, ए वाला एडिशन रिएक्शन है। बी वाले में आपने एचसीएल को ऐड किया है, हमें फर्क नहीं पड़ता कैसे रिएक्शन हुआ, अगर आपने ऐड किया है तो एडिशन रिएक्शन। सी वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो वहां से सीएल गायब है, मतलब वो उसको अपन कहेंगे कुछ हटा दिया आपने, तो उसको एलिमिनेशन का होगा, कुछ एलिमिनेट किया आपने, हटाया है आपने। और लास्ट वाला डी वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो OH को हटा के आपने OCH3 लगाया है, तो सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस थे, इसमें कोई रिएक्शन थोड़ी था कि रिएक्शन क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस मैंने आपको लास्ट ईयर बताए थे जब आपको स्कूल के लिए पढ़ाया था। B3। अब एलिमिनेशन, एलिमिनेशन आपको पता तो ये लिखा था, एलिमिनेशन मतलब कुछ चीज से कुछ हटा देना। पहले वाले में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब उसमें थ्री में ना ए वाला सब्स्टिट्यूशन है। बी वाला अगर चेक करूंगा तो आपने Br2 को हटाया है वहां से जो सब्सट्रेट गिवन था, सो एलिमिनेशन। सी वाले में आपने एलिमिनेशन किया क्योंकि सीएल गायब है वहां से, कुछ एलिमिनेट किया आपने। और डी वाले में आपने सब्स्टिट्यूशन किया। B4 की बात कर लेते हैं, तो मतलब कुछ ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4O3। Give 3 moles of hydrogen gas on treatment with methyl magnesium. 3 moles of gas. इसको जब अपन methyl magnesium halide से रिएक्ट करेंगे, तो 3 moles of gas का मतलब है 3 moles CH4 बनाता है। इसमें अपन 3 OH बना लेते हैं, क्योंकि OH होगा तो OH और NH, अपन को पता है कि RMGX, OH, NH या sp hybridized कार्बन और H, इन सब से ये रिएक्ट करेगा, तो इसका H नेगेटिव और इसके हाइड्रोजन रिएक्ट करके मीथेन गैस बनाएंगे। गिव्स 3 मोल्स ऑफ गैस ऑन ट्रीटमेंट विद मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्लास में बताया हुआ है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन भी पढ़वाया, वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया STP पेपर में। अब तुमने रिवाइज ना किया हो तो मेरी गलती है, फिर मैं क्या करूं बताऊं। C4H4 का मतलब है C4H10 होना चाहिए, 3DU = 3 for this compound.
डीयू थ्री का मतलब है मुझे तीन कार्बन एटम ऐसे लिखने चाहिए, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूं तो एक ऐसे बना लूंगा, दो कार्बन एटम मैं ऐसे बना सकता हूं और एक OH बना लेता हूं। मैं कैसे बना सकता हूं, फिर मैं चार कार्बन एटम में अगर ऐसे बनाता हूं तो चार कार्बन एटम में अगर ऐसे बनाता हूं तो अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो लेकिन दो डीयू है, थर्ड डीयू और चाहिए मुझे, इसको कार्बोक्सिल कैसे लिखूं, लेकिन दो ऑप्शन आ जाएंगे फिर इसमें, मतलब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि ऐसे लिखूंगा, रुको अपन इसको और किसी तरीके से लिखते हैं, मतलब ये तो इजीएस्ट वे था अपने पास लिखने के लिए। अब अपन कहेंगे मेरी मर्जी में तो ऐसे लिखूंगा, तो भी चलेगा, इसमें भी 3D मतलब स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, तो हमको डिसाइड करना है, ठीक है। बट अपन को पता था इसमें नाइट्रोजन नहीं है तो ये नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों तो हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा अपन क्या लिखना चाहते हैं। अब अपन B5 की बात करते हैं, B5 की बात करते हैं। प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, पहला वाला तो क्लास में बताया हुआ है, CH3MgBr को अगर D2O से रिएक्ट करोगे तो H2O हो या D2O हो, इसका हाइड्रोजन और इसका CH3 नेगेटिव, सेम फॉर सेकेंड बॉन्ड, मेरे पास बेंजीन है इधर MgBr है, उनको पता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, दिस इज द प्रोडक्ट। इसमें अपन को गिवन है दैट इज CH3OD, तो इसका नेगेटिव चार्ज इधर होता है और पॉजिटिव चार्ज इस पर होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज डी को हटाएगा, जैसे ओ एच होता है तो बताऊंगा ना बेंजीन से डी अटैच्ड है और फिर CH3O MgBr अटैच्ड है। ये एसिड बेस रिएक्शन बहुत सारे अपन ने प्रैक्टिस किए हैं क्लास में, ये सी वाला था जो मैंने आपको बताया, अभी पी वाला अलग है। आइसोब्यूटाइल तो अपन को पता है आइसोब्यूटाइल क्या होता है, मैग्नीशियम हैलाइड, आयोडाइड है, रिएक्ट्स विद फिनाइल एसिटिलीन, हाँ तो पता है ना, अभी अपन को पता है ना कि ये तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इससे रिएक्ट करेगा तो अपने पास आइसोब्यूटेन बनेगा, ये एच हो गया वाला, और अपने पास क्या बन गया PHC CCCMgBr, ये भी अपन ने क्लास में पढ़ा है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ये खुद भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, लेकिन ये हाइड्रोजन एसिडिक है, इसमें कोई हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोजन ऐसा नहीं है ना जिसमें OH, NH या ट्रिपल बॉन्ड CH हो, ये RMG के साथ रिएक्ट करके राइट ना, इनका H और इसका ये हट जाएगा, ये वाला H अटैच इससे अटैच कर लेगा, तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं ना, से तो इन दोनों का रिएक्शन नहीं हो सकता, इन दोनों का दैट्स B5। सेक्शन सी फिर आपने कहा, सी को देखते हैं, सी में 2 और 5, ठीक है 2, 5 है तो देख लेते हैं, साइक्लोहेक्सानोन फॉर्म साइनोहेड्रिन इन द गुड यील्ड, तो एक तो अपन को गिवन है C2 में, C2 पूछा है अपने,
सी टू में, ये मेरे पास साइक्लोहेक्सानोन है। साइक्लोहेक्सानोन इसके साथ अच्छा यील्ड देता है HCN के साथ, बट अगर मैं 2-2-6 ट्राइमेथिल साइक्लोहेक्सानोन डज नॉट। लेकिन अगर कह रहा है मेरे पास ऐसे होगा, इधर दोनों CH3 होते और इधर भी CH3 होता, तो अपन को पता है कि अगर इसके पास स्टेरिक एंट्रेंस होगा, इसके प्लस इफेक्ट से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। मोर द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, फास्टर विल बी द रिएक्शन। ऑब्वियसली बात है, इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है और स्टेरिक एंट्रेंस भी कम। सो मोर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड लेस स्टेरिक एंट्रेंस, इसलिए वो फास्ट होगा। इसमें स्टेरिक एंट्रेंस ज्यादा है। फिर आपने C5 पूछा है, C5 में अपन कहेंगे व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन इन द एसेटोफिनोन ट्रीटेड विद। एसेटोफिनोन का मतलब हो गया, एसेटो मतलब ये होता है और फिनोन मतलब इधर पीएच लिखूंगा तो ये एसेटोफिनोन हो गया। व्हेन ट्रीटेड विद लिथियम ड्यूट्रेट, अपन को पता है ये डी है, नेगेटिव है मेरे पास, तो क्या रिएक्शन होगा? ठीक है, कोई बात नहीं है, डी नेगेटिव इधर ऐड हो जाएगा और क्या, फॉलोड बाय वाटर वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, फॉलोड बाय वाटर वी गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। इधर डी का एडिशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। बी के साथ आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा, तो इसका मैकेनिज्म मैंने आपको क्लास में बताया। इधर अपने पास CH3 है, पीएच लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपन को एच नेगेटिव देगा, ये अटैक करेगा, विल गेट लाइक दिस CH3 CO नेगेटिव और Li बनेगा और इधर पीएच बनेगा और ये हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करेगा, तो जैसे जैसे ये इससे बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड उसकी तरफ शिफ्ट होगा, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया। उसके बाद अगर वाटर होता तो एच से रिएक्ट कर लेता, और अगर इसकी जगह आपने डी लिखा है तो मैं डी से रिएक्ट करवा दूंगा इसका इससे, तो मुझे मिल जाएगा CH3COD। इधर एच होगा, इधर पीएच होगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। NaBD4 बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा, क्योंकि अब इसमें आपने पहले CH3C डबल बॉन्ड O और pH है, डी नेगेटिव अटैक करेगा तो अपन को पता इस पर डी आएगा, और बाद में आपने ETOH मतलब वो जैसे अपन ने बाद में फॉलोड बाय वाटर लिखा था इसमें, तो अपन ने हाइड्रोजन इस पर ऐड कर लिया था, इसमें H नेगेटिव अटैक किया लेकिन बाद में आपने वाटर की जगह D2O तो OD बना दिया, तो इसमें अपन क्या करेंगे, पहले तो ऐसे बना देंगे, इधर डी एड हो गया, फिर आपने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, तो मैं इसको OH बना दूंगा। अब इसमें वाटर की जगह आपने ETOH ले लिया, मुझे तो OH से मतलब था जो ऐसे दिखाई दे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हाइड्रोजन था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हाइड्रोजन था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हाइड्रोजन की जगह ड्यूट्रिएट लिया, दैट इज लास्ट वाला अपने आप लिख लो गया, उसमें NaBD4 मतलब यहां पर भी डी आएगा लास्ट में। इसका मैकेनिज्म भी अपने क्लास में लिखा। डी सेक्शन में आपने पूछा है D4, डी सेक्शन में D4 पूछा आपने, D4 में गिवन है मुझे ऐसे, दैट इज pH C डबल बॉन्ड O O एंड pH, ऐसे पूछा आपने, 18 लिखा हमने, ये एस्टर है और इसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ आपने हाइड्रोलिसिस किया है। अपन को पता है अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, डाइल्यूट H2SO4 मतलब पहले आप एसिड से रिएक्ट करोगे, बाद में आप वाटर ऐड करोगे, तो पहले H+ आयन इस पर अटैक करता है, pH
सी डबल बॉन्ड हो, OH होगा और इधर पीएच होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन 18 है, वी नो दैट। अब एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे अपन कि अगर कोई बेंजीन रिंग से वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है और उसके पास अगर लोन पेयर है तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है कार्बन और उसका जो बॉन्ड होगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, वो इजीली ब्रेक नहीं होता क्योंकि वो डबल बॉन्ड जैसे बिहेव कर रहा होता है। इसलिए बेंजीन रिंग से अगर कोई भी ऐसा एटम अटैच्ड है जिसके पास लोन पेयर है तो ये वाला बॉन्ड आप कभी ब्रेक नहीं करना। अपन ने फ्रेडल क्रॉस रिएक्शन में भी लिखा द लो रिएक्टिव एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एल्काइलेशन इन द फ्रेडल क्रॉस रिएक्शन। लो रिएक्टिव क्यों? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये AG03 से रिएक्शन नहीं लेता, मैंने आपको बताया बिकॉज दे आर लो रिएक्टिव, तो ये रिएक्शन नहीं देगा AG03 के साथ, सो दे आर लो रिएक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता, मुझे यही ब्रेक करना होगा। ये ब्रेक करोगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज ये भी बनेगा, तो अपने पास बनेगा पीएच सी डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और मेरे पास बनेगा पीएच ओएच 18 वाला। तो यहां देख के मुझे ये तो पता चल गया था कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये तो ब्रेक हो नहीं सकता इसके साथ, तो फिर ऑक्सीजन 18 इसके साथ जाएगा और वाटर से जो ऑक्सीजन 16 है वो इसके साथ आएगा। That is your C3. Benzoic acid बना और ये phenol बन गया। So these are the product of reaction. अब कोई और है? D4 तो बता दिया मैंने। D3 का D1 भी है। D1 में भी पूछा है, D1 का A, हाँ ठीक है ना, हाँ तो CH3Cl तो A वाले पार्ट तो हो ही जाएगा क्योंकि Cl इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, कुछ भी ऐड कर दो CH, ये तो बेस है, फिर भी अगर वाटर भी डाल दोगे तो भी इसको हटा दूंगा, तो भी मैं इसको हटा दूंगा और प्रोडक्ट बन जाएगा अपन को बेंजोइक एसिड, और उसमें जो प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं वो बनाऊंगा CH3 सी डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे बेसिक मीडियम में कभी एसिड नहीं बनाएंगे, बेसिक मीडियम में एसिड नहीं बनाएंगे, अपन सॉल्ट बना देंगे, लिख लेंगे ठीक है, लेकिन रिएक्शन होगा, Cl हटेगा वहां से, ये अपन को पता था। तो ये अपन से हाउ मेनी रिएक्शन गिवन बिलो प्रोसीड थ्रू द SN2TH मैकेनिज्म, हाँ तो है ना SN2TH, पहले ये बनेगा उसके बाद ही ये लीव करेगा, SN2TH ही तो है, अपन ने ये डायरेक्टली हटा दिया, बस इट इज SN2TH रिएक्शन, वो एच अटैक करेगा तो पहले ऐसे बनेगा। अब जब ये स्टेबलाइज होगा तो दोनों में से कौन लीव करेगा, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा है ना, बाद में अपन ने एसिड बेस से वैसे बताया। फिर आपने पूछा डी में बी एंड सी, D1 का डी तो पढ़ते ना, D1 का डी, डी वाले में गिवन है दैट इज CH3 सी डबल बॉन्ड OC2H5। अब ये भी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसे आप न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करोगे ये न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा तो रिएक्शन होगा, और ये इस पे अटैक करेगा, ये लीव करेगा, और वो भी किसके थ्रू, SN2TH के थ्रू, पहले ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जब पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो विल गेट लाइक दिस। अब दोनों सिग्मा में से किसी एक को ब्रेक करना है, तो मैंने जिसकी लीविंग एबिलिटी थी अच्छी थी उसको लीव करवा दिया, तो यहां भी अपने पास यही होगा भाई, CH3 है, CO नेगेटिव बन गया, इधर NH2 है, उधर OC2H5 है, दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है C2H5OH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया, ये लीव करेगा, ये SN2TH रिएक्शन हो गया क्योंकि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, लीव करवा दो, हो गया,
अमाइड बन गया अपने पास CH3 सी डबल बॉन्ड NH2 बन गया। ये रिएक्शन था। अब बताओ कोई डाउट है तुम? अब डी में एक और है, डी दैट इज D4 में बता चुका हूं, D3 का BC पूछा है, चलेगा D3 का BC चेक करते हैं, D3 के बी वाले की बात करते हैं। बी वाले में आपने मुझे दिया हुआ है कि PHC CL। अब यहां से CL तो अपन किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इतना अच्छा लिविंग क्वालिटी है। आपने दिया है मुझे ROH, फिर तो हो ही जाएगा भाई। ROH दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस ना HCl, तब तो ये रिप्लेस होगा। ये इधर अटैक करेगा, इधर ऐसे बनेगा, मेरे पास बनेगा PHCO-, इधर Cl है और इधर इसके एक लोन पेयर, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, तो अपन एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं इससे। इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया ऑक्सीजन से लेके, और अगर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मैं ऑक्सीजन से लूंगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। प्रोटॉन का लिविंग एबिलिटी बहुत अच्छा होता है इसलिए हट जाएगा, और जब ये स्टेबलाइज होगा तो Cl लीव करेगा। तो मुझे मिला R डबल बॉन्ड, ये वाला अब ये लीव कर गया तो डबल बॉन्ड बन गया वहां पर। अब ये वाला बॉन्ड बना हुआ, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर था, ये वाले इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया उसके पास, क्योंकि ये तो इसी का था, ये वाला इससे आएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे आएगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मिलेगा ना, क्योंकि एच पॉजिटिव जैसे लीव कर रहा ना, तो अपन कहेंगे ठीक है इधर दो इलेक्ट्रॉन आ गया और ये आ, तो अपने पास एस्टर आ गया और ये बन गया अपने पास क्या HCl। तो ठीक है, अपन ने R किसको लिया था इसमें, तो R जो था वहां पर वो हटा देते हैं अपन, तो यहाँ पर R आपने एक साइक्लोहेक्सेनॉल जैसे बना दिया भाई, आपने R हटा दो और जो था उसको लिख देते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल था तो उसको लिख देते हैं ऐसे था। अच्छा इधर भी अपन ने पीएच कर दिया ना, इधर भी ये पीएच लिख दो। आपने बी पूछा था और शायद डी पूछा था, तो अपन एक बार देख लेते हैं, एक तो बी पूछा था आपने, एक सी पूछा था आपने, तो मैं सी कर लेता। सी वाले में अपन का गिवन है, दैट इज सी वाला रिएक्शन भी होगा क्योंकि सीएल तो लीव करेगा ही करेगा, वो आरओएच अभी बता दिया आपको, सी वाले में इट इज सेम रिएक्शन, सो वो भी बन जाएगा। ये आरओएच बता तो दिया, बी और सी दोनों बता दिए। अगर मेरे पास ऐसे होता PHC डबल बॉन्ड H और अपन ने पहले वाले रिएक्शन ये ए वाला बता रहा हूं, अगर इसमें अपन कहेंगे कि मेरे पास ऐसे के बने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसके पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा इसको, विल गेट लाइक दिस, तो अपन को ऐसे मिल गया था CO- बन जाता, H बनता और यहाँ पर नाइट्रोजन का एक लोन पेयर गया, नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन होता और ये 6 नंबर ट्रिंक होता, ये पॉजिटिव चार्ज जाता। अब तो कहते हैं कि भाई अगर ये एल्डिहाइड है ना, नहीं सीएल था, रुकना मैंने इसका हाइड्रोजन लिख लिया, तो उसका रिएक्शन सीएल था। अब सीएल होगा तो वो लीव कर जाएगा भाई, ये तो इधर सीएल है, सीएल का तो बहुत अच्छा लीविंग एबिलिटी होता है, तो ये सीएल लीव करेगा, और जब सीएल लीव करेगा ये वाला, ऐसे तुमने सीएल हटाया तो PHC डबल बॉन्ड ओ सीएल तो लीव कर गया और नाइट्रोजन अपने पास ऐसे आ गया, एक हाइड्रोजन होगा और नाइट्रोजन से 6 नंबर ट्रिंग बना होगा और ये पॉजिटिव चार्ज है। हाँ तो ठीक है ना, जो सीएल लीव करेगा वो इस हाइड्रोजन को हटा देगा, हाइड्रोजन को हटाएगा तो आई विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, ये प्रोडक्ट ये अमाइड हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया, नहीं 6 मेंबर रिंग बना रहे अपन, जबकि उसने अपन को 5 मेंबर रिंग दे रखा है। ठीक है, आप 5 मेंबर रिंग लिख लो, आप इसको एग्जांपल करके 5 मेंबर रिंग लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने 6 मेंबर बना रखा है, मुझे बस ये की एग्जांपल देना था। अब ये बताने का रीजन ये था कि अगर मेरे पास ऐसे कंपाउंड के बने, मान लो अपने पास गिवन है PHC डबल बॉन्ड ओ Cl के बने अपने पास, और इसको अपन रिएक्ट करवाते हैं इस कंपाउंड के साथ,
इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, और लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दोगे ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इधर नेगेटिव चार्ज लिखूंगा, इधर सीएल लिखूंगा, और इसका रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, नाइट्रोजन है उससे एक रिंग बना हुआ है और एक सी एच थ्री भी है और इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है। अपन कहेंगे ये सीएल लीव करेगा, यहां से सीएल लीव करवा देते हैं। पीएच सी डबल बॉन्ड हो, अपन ने सीएल को लीव करवा दिया, नाइट्रोजन आया, अपन ने सिक्स नंबर रिंग कर दिया और यहां पर एक सी एच थ्री है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये सॉल्ट जैसे बन जाएगा, तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है प्रोडक्ट से सीएल को हटा देना, जैसे इसमें हटा था, इसमें सीएल नेगेटिव, अपन ने एच हटा के यहां से प्लस एच सीएल करेंगे, एच सीएल गैस लिबरेट होगा, हट जाएगा। इसके अंदर कहीं एच सीएल नहीं दिख रहा अपन को, इसमें दिख रहा है, सीएल नहीं हटेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पे और सॉल्ट जैसे रहेगा, मतलब ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इज नॉट पॉसिबल बिकॉज N atom do not have good leaving group. Like protons. इसके जैसा नहीं, like proton. तो इसका मतलब है अगर 3 degree amines है, 3 degree amines nucleophilic substitution नहीं show करते हैं, ना ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये ऐड होगा ना कहीं तो वहां पर क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव इससे अच्छा तो न्यूट्रल ही रहेगा वो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसी के पास भी हो वो अनस्टेबल होगा। तो ये अनस्टेबल प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे, मतलब यहाँ रिएक्शन पॉसिबल। इसके पास प्रोटॉन था इसलिए वो रिएक्शन हो गया, इसके पास प्रोटॉन था इसलिए वो रिएक्शन हो गया। प्रोटॉन था तो क्या होगा भाई, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया तो प्रोटॉन अच्छा लीव ग्रुप है ना, तो लीव करके अपन को लोन पे वापस मिल गया। इधर नहीं हो सकता, CH3 is not a good leaving group, इसलिए नहीं। ठीक है, तो ये आपके मतलब कंसेप्ट तो ये था आपका, बट ये पार्ट्स क्वेश्चन अपन से पता, फिर ये नहीं पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन देंगे तो मोर देन वन ऑप्शन होगा ना, या वन ऑप्शन करें कि बताओ कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो अपन कहेंगे अगर अमाइंस में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अमाइंस से, तो 3 degree अमाइंस में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट डजंट हैव अ गुड लीविंग ग्रुप। और क्या पूछा था, C2C5, मेरे ख्याल से C2C5 किया है यार मैंने, C2C5 तो बताया मैंने, C5 बताया और C2 भी बताया, ये आपका C2 था और C5 था, ये C5 है, इससे पहले C2 भी बताया, ये C2 था तो बताया, ये आपका मेरे ख्याल से इतना ही था, एक से इधर बड़ा कम है यार। ठीक है, कोई बात नहीं, अब पार्ट टू में कोई डाउट है तो बताओ, पार्ट टू में कोई डाउट है तो बोलो। पार्ट टू का C1C5D4, पार्ट वन बोला था, ठीक, तो पार्ट वन बोला था तो अब आप पार्ट टू भी कर सकते हो, पार्ट थ्री भी कर सकते हो, अब आपका होमवर्क एक्सरसाइज टू है। पार्ट टू का वो बोल रहा कि मतलब आपने दिया ही नहीं था, आपने पार्ट वन बोला था, बोलो बताना है क्या, पार्ट टू बताना है क्या,
पार्ट टू बताना है क्या? मतलब भाई देखो, अगर मैंने पार्ट वन बोला था तो मैंने आपको बता दिया, ये बोल रहा कि सर आपने पूरा दिया था, कुछ बोल रहे सर आपने पूरा दिया था, कुछ बोल रहे सर आपने नहीं दिया था, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्कस ही कर सकता हूँ और क्या। तो पार्ट टू में C1 C5 D4 फिर B6 C3 ये D4 था, C3 और D2 एक्सरसाइज बन के पार्ट टू का C1 5 C1 भी है 5 भी है और D3 D4 D2 लिख ही लिया, चल देख लेते हैं, वैसे ज्यादा नहीं है, B6 देख लेते हैं। कंपाउंड दिस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ CH3MgBr गिव्स 4 मोल्स ऑफ मीथेन गैस, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज, ठीक है B6 मेरे पास कंपाउंड गिवन है क्या, C5H12O4। सबसे पहले डी यू कैलकुलेट करूंगा, C5 और H10 और 2 12 DU0। अपन ट्रीटमेंट विद CH3MgBr गिव्स 4 मोल्स ऑफ, देख लो ना किसमें, अब इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, DU है ही नहीं, मतलब ये तो अपन सोच भी नहीं सकते, ये भी नहीं सोच सकते क्योंकि ये दोनों है ही नहीं, सिर्फ इसके बेसिस पे, तो चारों ऑक्सीजन OH से अटैच होने चाहिए। सी आंसर। ओके C1 C3 C5 C1 की बात करते हैं, देखो आर्मी केमिस्ट्री में जो अपन ने क्लास में पढ़ा ना, ये तो शीट है, इसमें कुछ भी नहीं है शीट में, तो अपन जो क्लास में पढ़ते हैं वो बहुत बहुत क्लियरिटी से सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं, आपको बस इतना ही करना है कि जो आपने बताया उसमें गलती नहीं होगी सर, है ना। C1 की बात करते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ PHMGBr है, उसमें क्या रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन C डबल बॉन्ड। इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, अब अगर अपन चेक करेंगे तो अपन को गिवन है, जैसे ए अपन को गिवन है दैट इज, अब इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो मीजोमेरिक है, मतलब इसका जो डबल बॉन्ड है यहां पर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है 1 वाले का, 2 वाले में CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और H है, इसमें प्लस इफेक्ट है बस, इसमें तो M इफेक्ट है, इसमें I इफेक्ट है। थर्ड वाले में चेक करूंगा तो I इफेक्ट दो तरफ से है, मतलब यहां पर ये भी इलेक्ट्रॉन देगा ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज काफी कम होगा इसके कंपैरिजन में क्योंकि यहां एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 is greater than 3 और 1 वाला सबसे कम क्योंकि मीसोमेरिक इफेक्ट से इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, अगर यहाँ डीलोकलाइज होगा तो ये ऐसे बनेगा, एक ही तरफ करते हैं डीलोकलाइज क्योंकि क्रॉस कंजुगेशन है, इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा,
ये डीलोकलाइज हो जाएगा। तो वो अगर डीलोकलाइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लीस्ट होगा। सो आंसर इज टू में ज्यादा होगा, थ्री से ज्यादा होगा वन से। क्राउडिंग का कोई रोल नहीं कहेंगे, क्राउडिंग का रोल होगा लेकिन अपन बोलने वाले नहीं है। मैंने क्लास में बताया था आपको क्लियरली, क्राउडिंग का रोल होगा लेकिन अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चेक करेंगे। अगर कोई पूछेगा कि क्राउडिंग फैक्टर रोल प्ले करता है क्या, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। कभी पढ़ेंगे भी अपन उसमें क्राउडिंग फैक्टर वाले अच्छे क्वेश्चन भी निकालेंगे अपन जो अपने पास क्वेश्चन है। अभी नहीं होंगे, शीट में भी नहीं होंगे वैसे क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसलिए कहा था आपसे कि मना नहीं करना। इसको PHMGBR से रिएक्ट करवाया तो बनेगा अपने पास एक कंपाउंड ए, और फिर इसको वाटर से रिएक्ट किया, ये तो आपने हाइड्रोलिसिस किया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो अपन कहेंगे देख भाई CH3 है, CH है, OH है और pH, इधर ये pH है, तो अपन कहेंगे इधर जो बना होगा ना वो ऐसे बना, ऐसे बना होगा। ये pH नेगेटिव इस पे अटैक किया होगा, इसका मतलब है ये ऐसे रहा होगा, ये अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक pH आ जाएगा, OMGBR आ गया। आपने हाइड्रोलिसिस किया तो OMGBR को OH में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये कंपाउंड होना चाहिए। तो हम इसको रिवर्स रिएक्शन चलाएंगे, हम रिवर्स में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सी फाइव करते हैं। HCN रिएक्ट फास्टेस्ट विथ, फिर सेम क्वेश्चन, जो C1 था वही C5 है, सेम एस C1। तो अपने पास फास्टेस्ट में गिवन है ए ऑप्शन, गिवन है एसीटोन, बी ऑप्शन गिवन है इथेनॉल, सी ऑप्शन गिवन है मेरे पास बेंजोफिनॉल। वही वालों का IUPAC नेम लिख दिया, तीनों आ गया, ये बेंजोफिनॉल था, ये इथेनॉल है, ये एसीटोन है, अभी डी वाला देख लेते हैं क्या, एसीटोफिनोन है। हाँ तो इसमें भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी दो तरफ से, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा इन सब में, बी, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद, क्योंकि इन दोनों में तो प्लस एम था, इसमें भी एम था लेकिन एक ही तरफ से एम था ना, और इधर से आई, इसमें दोनों तरफ से आई है, उधर इधर दोनों तरफ से आई है इस वाले में, लेकिन इधर एक ही तरफ से आई है अपने पास, तो मेरे बेल टूटे राइट। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट अपन को सिर्फ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है ना, तो अपन को सिर्फ चेक करना है डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस, इस पे कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना है और उस पे कितना है, इधर दो तरफ से प्लस इफेक्ट था, इधर एक ही तरफ से प्लस इफेक्ट है, इधर एम इफेक्ट है दो तरफ से, इधर से भी एम इफेक्ट है, इधर से भी एम इफेक्ट है, इधर लेकिन एक ही तरफ से एम है और जबकि दूसरी तरफ से आई, तो मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, फिर मैं डी वाला भी बताता हूं। मतलब देखो डाउट्स में ना रश नहीं करना, अब रश तुम क्या करोगे, मैं ही करूंगा जो करूंगा, तो और सिलेबस की टेंशन मत लेना कि सिलेबस खत्म कब होगा, वो सिलेबस मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कब खत्म करना है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, अभी उसको CT सेक्शन बताता हूं, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, अब सॉल्व करके बताना। मेरे पास एक कंपाउंड ऐसा है, मेरे पास एक कंपाउंड ए है, मैं इसको रिएक्ट करूंगा CH3MGBr के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस,
एगोट बी बी को रिएक्ट करूंगा मैं एसिड के साथ। जब अपन को ऐसे लिखते हैं ना तो इसका मतलब ये हाइड्रोलिसिस कर रहा है, और अगर हीट करोगे तो वाटर का एलिमिनेशन भी हो सकता है एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। एगोट सी, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको इससे भी करवाया, इसको इससे भी करवाया, तो एगोट सी। एक मिनट रुकना, इसको मैंने ओजोन महसूस किया जिंक और वाटर के साथ। मैंने आपको ओजोनोलिसिस बताया ना क्या होता है, क्यों ओजोनोलिसिस बताया ना, रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव दोनों बताया आपको ना। एक मिनट देख लेता हूँ, ओजोनोलिसिस नहीं बताया मैंने तुम्हें, क्यों ओजोनोलिसिस नहीं बताया, ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर मैं आगे नहीं लिखूंगा, मेरे पास ये है, ठीक है। मतलब फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, फिर मैं ज्यादा आगे नहीं जा सकता, नहीं तो काफी अच्छे क्वेश्चन बना लेता। चलो सी इज दिस कंपाउंड, बताओ ए क्या होगा। एक मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताया था टॉलरेंस टेस्ट, नहीं बताया था, चलो टॉलरेंस टेस्ट गिव एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। तुम लोग स्कूल तो जाते हो ना, एल्डिहाइड के टर्न पढ़ाया होगा ना स्कूल में, बताया होगा ना टॉलरेंस रिएक्शन टेस्ट। स्कूल में देखते क्यों नहीं भाई, स्कूल में देखो, नाम के लिए एंटर मत करो, फिर उससे अच्छा तो है कि मुझे ही टाइम दे दो, मैं ही सुबह क्लास ले लूंगा। अगर तुम लोग इतने सारे बच्चे लिख रहे हैं कि हम लोग स्कूल सिर्फ नाम के लिए जाते हैं, तो इससे अच्छा मुझे टाइम दे दो, मैं ही अपना काम कर लूंगा कम से कम। अगर आप मुझे सुबह टाइम दे दो तब तो मेरा काम हो जाए, क्योंकि शाम को बहुत बच्चे सोते हैं ना, फिर मेरा मैं अपना काम नहीं कर पाता पूरा।
तो अपन कुछ ऐसे करेंगे ना, अगर तुम लोग रेडी हो तो। नहीं मतलब ऐसे कुछ कर लो ना कि मतलब अटेंडेंस के लिए वो वीडियो ऑन कर पाते हैं क्या स्कूल में? नहीं तो फिर ठीक है ना, अगर वीडियोस को ऑन नहीं करवाते तो कुछ ऐसे करो ना कि दो डिवाइस से ज्वाइन कर लो, है ना। देखो आजकल सभी के पास फोन होता है, मम के पास भी डैड के पास भी, डैड को बोलो स्कूल ज्वाइन कर लो ठीक है, वो कहेंगे बस यही करवाना था दोनों को है ना, और मॉम के फोन पे तुम क्लास में री अटेंड कर लो। हाँ प्रैक्टिकल के बारे में चल रहा है तो फिर यार मुझे टाइम दो ना तुम लोग, मैं प्रैक्टिकल स्कूल प्रैक्टिकल ही पढ़ा दूँ। अच्छा चलो सबसे बात करता हूँ मैं, मुझे स्कूल मैं स्कूल प्रैक्टिकल ही करवा दूंगा यार, क्वालिटेटिव एनालिसिस ही करवा देता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। स्कूल में चल ही रहा है, तुम लोग प्रैक्टिकली स्कूल में करके देख लोगे, मतलब अगर वो बुलाएंगे तो। वैसे शायद देखो लग रहा है मुझे मतलब, हाँ हाँ प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा ना, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब तुम लोग टाइम दोगे तो पढ़ाऊंगा, तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए। चल अच्छा इसको मैं बता देता हूँ पहले। अब देख ये तो हीट किया ना हाइड्रोलिसिस के साथ, तो इसका मतलब है अपने पास बी जो है वो ऐसे रहा होगा, बी जो है वो ऐसे रहा होगा, तो ये क्या रहेगा? तो अपन कहेंगे देख मैं ए को ऐसे लिख सकता हूं, को अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो CH3 नेगेटिव होगा, MgBr होगा, तो ये CH3 नेगेटिव अटैक करेगा, इधर OH बनेगा, तो इधर OH बना देंगे अपन, तो ये बन जाएगा। अब लेकिन अपन पता क्या बोलेंगे, अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, आपने वहां पर लिख रखा है कि वो एल्डिहाइड है, तो ये कीटोन ले लेगा आपको, फिर कैसे मैं बताऊंगा? भाई आप ये नहीं देते तो मेरा ए ये हो जाता, मेरा काम हो जाता, खत्म हो गया। भाई अगर आप ये नहीं लिखते ना नीचे वाला पार्ट तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, है ना। तो अब अपन कहेंगे एल्डिहाइड करना है तो इसका मतलब मुझे बाहर एक कार्बन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, CH3 MgBr और हाइड्रोलिसिस से कभी रिंग नहीं बनता, मतलब इसमें पहले से रिंग था, ये लो। अपन क्या करेंगे इसको ऐसे बना, और इसमें CH3 नेगेटिव को अटैक करवा देते हैं, तो बी मेरे पास ऐसे बन जाएगा। अब एसिड के साथ इसको रिएक्ट करूंगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। भाई अब अगर इसको एसिड से रिएक्ट करोगे तो H+ यहाँ अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो अल्फा हाइड्रोजन एटम पे कार्बोकेटाइन बना ना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये CH3 है, इसमें अपन अब रिंग एक्सपेंशन करेंगे, ये बनाएंगे रिंग एक्सटेंशन बनेगा तो 5 मेंबर रहेंगे, और साइड वाले कार्बन पे ये 5 मेंबर अपन नंबरिंग कर देंगे अगर प्रॉब्लम हुआ तो, 4 5 आप 5 मेंबर रिंग बना लो, बना लिया, आप कार्बन 1 पे CH3 लिख दो, लिख दिया, आप कार्बन 2 पे पॉजिटिव चार्ज लिख लो क्योंकि यहां से बॉन्ड आपने शिफ्ट किया कर दिया। अब अपन 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट भी करेंगे क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन इधर लाएंगे और बाद में अपन को डबल बॉन्ड बनाना है तो बना लेंगे, पहले 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाऊंगा, सो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, ये CH3 भी तो पॉजिटिव। अब किसी भी तरफ डबल बॉन्ड बनाओ, विल गेट दिस प्रोडक्ट, तो इस टाइप से अपन प्रोडक्ट बना सकते। समझ में आया ना? समझ में आया। अब अपन डी की बात करते हैं,
क्योंकि अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कंपलसरी होगा, इसलिए मैंने आज का आज आपको कहा कि भाई अपन डाउट्स करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। डी का 2, 3, 4 लिखा आपने, तो ठीक है डी 2 कर लेते हैं। अपने पास कंपाउंड है, डाउट है किसी को? ठीक है, समझ में आया, यस सर, हो गया, चला गया। अपन D2 की बात करते हैं। D2 में अपन से पूछा कि भाई इनका हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर बताना। हाँ तो ठीक है ना, आपने सभी में तो ऐसे लिखा हुआ है, और हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया आप इसमें वाटर के साथ रिएक्शन करोगे, तो अपन कहेंगे जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उतना ज्यादा ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज्यादा वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना जल्दी CLOH से रिप्लेस होगा। ये बनेगा। अब इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहिए। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें होगा उतना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतना फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो ठीक है सभी में अपन को गिवन है आंसर में, सभी में ऐसे गिवन है COC है। तो देख लेते हैं कि भाई अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा डीएक्टिविटी को उतना ज्यादा इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना इजीली वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो उसमें अपन को गिवन है NO2 वाला फास्टेस्ट हो जाएगा और CH3 वाला जो पैरा पोजिशन पे गिवन होगा वो स्लोएस्ट हो जाएगा। तो ऑर्डर बन गया, सो आंसर विल बी इक्वल टू अपन कहेंगे NH2 NO2 वाला फास्टेस्ट, सो 2 वाला फास्टेस्ट होगा, फिर लास्ट वाला 4 वाला, फिर 1 वाला, और फिर जिसमें रिलीजिंग ग्रुप है, बिकॉज इसमें CH3 गिवन है, इसमें कुछ भी गिवन है, इसमें CHO गिवन है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसमें NO2 गिवन था वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, इसमें कुछ भी नहीं था, 5 फिनाइल ग्रुप हो जाएगा, मतलब उसमें सिर्फ पीएच था और वो था। ये आपका डी टू है। आपने D3 भी पूछा है, D3 में आपने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड है, मतलब मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को मुझे कन्वर्ट करना है RC डबल बॉन्ड ऑफ CL में, तो बताया तो था आपने SOCl2 PCl5 या फिर PCl3, ये तीन तो आपने बताए थे, तो सी आंसर होगा। Cl2 डायरेक्टली कैनॉट रिएक्ट, ये तो क्लास में ही लिखा होगा। D4 के बाद प्रोडक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो अपने पास ये गिवन है पीएच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, हाँ तो एस्टर में आर एम जी एक्स का एडिशन आपने बताया सी एच थ्री एम जी बी आर एन एक्सएस सी एच थ्री एम जी बी आर एन एक्सएस, तो अपन को पता है ये नेगेटिव चार्ज है, इधर अटैक करेगा कि लीव करेगा SN2 pH, तो अपन लिखेंगे pH CO नेगेटिव बन गया होगा और ये OCH3 बन गया होगा,
इधर सीज टू भी है बीच में एक, तो अपने लिखा, मैंने लिखा नहीं, इधर पीएच सीएच टू और इधर सीएच थ्री आ गया। ये स्टेबलाइज होगा, ये एमजीबीआर भी होगा, ये स्टेबलाइज होगा तो ये लीव करेगा बिकॉज दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। तो पीएच सीएच टू सी डबल बॉन्ड सीएच थ्री बन गया। नाउ इट इज अ कीटोन। कीटोन्स आरएमजीएक्स के साथ 3 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, ये अपन ने लिखा। फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड्स 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन्स अगर है तो आरएमजीबीआर के साथ इट विल फॉर्म। नाउ इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन था पहले, नाउ इट इज एडिशन रिएक्शन। सो पीएच सीएच2 ओ नेगेटिव एमजीबीआर, इधर भी सी एच थ्री और इधर भी सी एच थ्री। अब बनाइट बेसिस कर पाते हैं सब के साथ, तो पी एच सी एच टू सी ओ एच दो सी एच थ्री एड हो गया इसमें, ये थ्री डिग्री एल्कोहल बन गया। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये क्लास में बताया हुआ मैंने, देख लेते बी इज द आंसर। डी वाले में ये सी एच टू गायब है ना, बीच में एक सी एच टू भी तो है, पी एच है उसमें। अब बताओ और बेटर है। एक्सरसाइज वन में वैसे अभी एक और मतलब उसमें गिवन है, दैट इज पार्ट थ्री न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आप चाहो तो पूछ भी सकते हो, अगर एक्सरसाइज थ्री दिया था तो पूरा। अरे सोते सोते ध्यान आ रहा है कि पार्ट वन का डी वन का सी, हाँ तो पार्ट वन का डी वन का सी ना, ये तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच और सी एच थ्री ओ एन ए जो होता है, सी टू एच फाइव ओ एन ए जो होता है, दैट इज अल्काक्साइड, दिस इज अ बेस। इसमें तो ओ एच है, ये एसिड है, ये वो थोड़ी है, ये डेरिवेटिव थोड़ी है, तो खुद ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर डेरिवेटिव होता तो इसको हटा देते और इसको लगा देते, एसिड थोड़ी होता, ये एसिड का डेरिवेटिव थोड़ी है, तो एसिड है, इट इज एसिड बेस रिएक्शन। ये प्रोटॉन को निकालेगा, सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव बनेगा प्लस C2H5. अब बोलो पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में ए टू बी टू बी फोर, पार्ट थ्री का ए टू बी टू फोर और सी वन सी टू सी फोर। अब काफी सारा पार्ट तो रिपीटेशन हो जाएगा। राइट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, हाँ तो देख लो ना इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, साइज चेक करो। इसमें तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो यही है, कम से कम रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो नहीं है इसमें। सी एच थ्री एस, इसका साइज तो और भी बड़ा होगा, ये और भी अच्छा है। इसमें तो और भी ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, ये तो लीस्ट होगा। ये तो लीस्ट न्यूक्लियोफाइल, लीस्ट न्यूक्लियोफाइल। A4,
द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग, आई नेगेटिव, भाई साइज ही तो चेक करना है, तो लिखा है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेस एसिडिटी, बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है। इन सब में सबसे बड़ा साइज आई नेगेटिव का होगा, ए फोर में, बी वन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एच टू इज लिबरेटेड विद वन मोल ऑफ सोडियम मेटल, वन मोल ऑफ सोडियम मेटल, how many moles of H2 gas is liberated with one mole of sodium atom? पहले कंपाउंड देख लेते हैं क्या बना है। मेरे पास कंपाउंड है सर, सी डबल बॉन्ड है, इससे साइक्लोहेक्सेन अटैच है, ठीक है, इससे मेरे पास ये अटैच्ड है, एक और अटैच्ड है और एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच अटैच्ड है, इधर मेरे पास गिवन है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और इधर वाच गिवन है, तो इधर से भी हाइड्रोजन लिबरेट हो सकता है, इधर से भी हाइड्रोजन लिबरेट हो सकता है, इधर से भी हाइड्रोजन लिबरेट हो सकता है, तो अगर मेरे पास आर ओ एच और इसको मैं सोडियम से रिएक्ट करवाता हूँ तो हाफ मोल एच टू लिबरेट होगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एच टू इज रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ द गिवन कंपाउंड, इसका वन मोल, इसमें तीन हाइड्रोजन है तो जब ये एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो हाफ मोल रिएक्ट करता है, तो इधर से हाफ मोल, इधर से भी हाफ मोल और इधर से भी हाफ, 1.5 आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए एड्स टू ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन का एडिशन तो पढ़ा नहीं तो कैसे बताएं, चलेगा हमें क्या पता है, पॉजिटिव टेस्ट विद 2,4-DNP, ये गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर 2,4-DNP, so 2,4-DNP test is given by all aldehydes and ketones, so ये मुझे पता चल गया कि ये aldehyde या ketone है, on treatment with A gives positive DNP while on treating with sodium iodate solution NaOI gives a product which an oxidative ozone resist gives molecular mass. So treating with NaOI, मतलब इसको organic compound adds to Br2 molecule. ठीक है. A gives positive, तो इसमें दो Br2 molecule होते हैं और ये positive I2 2,4-DNP test देता है. तो adds 2 moles Br2. तो इसमें 2,4-DNP टेस्ट भी लेता है। अब ये कह रहा था on treatment with NaOI, मतलब ये NaOI के साथ रिएक्ट करेगा, gives a product which is, क्या क्या बताऊं इसमें, एक और नया टेस्ट आ रहा है ना, NaOI gives a
प्रोडक्ट विच ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोन बेसिस, मतलब प्रोडक्ट जो बनता है इससे, ये प्रोडक्ट बना विच ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोन बेसिस, गिव्स मॉलिक्यूलर मास ऑप्टिकली एक्टिव डाइबेसिक एसिड, इसमें अपन को लोएस्ट गिव्स लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, ऑप्टिकली एक्टिव डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, उसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है अलोंग विद द मोनोबेसिक एसिड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मोनोबेसिक एसिड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 74, ठीक है। What is the molar mass of compound A? हमें compound A का molecular mass बताना है कितना होगा। अब ये टेस्ट बता रहा है कि टेस्ट मतलब क्या बोले हैं 2,4-DNP, अब ये भी टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट अपन ने पढ़ेंगे, ये जब तक अपन तो चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये सारे टेस्ट की लिस्ट दे देता हूँ, तुम याद कर लो, अभी तो यही हो सकता है कि आप लिस्ट में दे देता हूँ, याद कर लो, छोड़ दो क्वेश्चन, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब इसको सॉल्व कर लेना, मुझे करना है तो बोलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, मुझे क्या इसके मॉलिक्यूलर मास से इसको एडजस्ट कर लूंगा, डाई बेसिक है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओजोन एसिड से मुझे पता है क्या करना है इसमें, ये टेस्ट मुझे पता है, ये टेस्ट मुझे पता है, ये टेस्ट मुझे पता है, तुमने क्वेश्चन डाल दिया देख लो आप जैसे कर लो, गलत है ना, हमने तो क्वेश्चन डाल दिया, अपन कैसे सॉल्व करें, तो इसमें तो टेस्ट करके ही आप कर सकते हो पढ़ के, और जब तक टेस्ट नहीं पढ़ेंगे कैसे बता पाएंगे, नहीं बता सकते। कौन सा था ये, B2 था, B2 छोड़ दो और क्या, B1 कर लिया अपन ने, B2 की, B2 छोड़ दो, 4 की बात कर लेते हैं, B4 की बात, B4 की बात कर लेते हैं, एक मिनट रुकना, कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करेगा, इसलिए मैंने कहा था चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम चैप्टर वाइज में ये है कि फिर ये शीट अपन को नहीं मिलती, हाँ तो शीट नहीं मिलती तो क्या हुआ, अपने पास कोई बुक ले लेते हैं, बुक को फॉलो कर लेते हैं, B4 की बात करते हैं, इसको नहीं कर सकते जब तक पता नहीं होगा, B4 की बात करते हैं, अब अपन ORM 3-4 के बाद जब तक ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक अपने साथ ऐसे ही होगा, अगर टेस्ट वगैरह आएंगे तो, ये कुछ कुछ टेस्ट मैं आपको बताऊंगा, ऐसे आप याद रखो, अगर NaOH और I2 होता है, इसको NaOI लिख लो, टेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोफोम टेस्ट, हाइड्रोफोम टेस्ट, ठीक है, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोफोम टेस्ट, गिवन बाय ऑल मॉलिक्यूल्स विच हैव, ठीक है, दिस ग्रुप, ये ग्रुप होना चाहिए, तो मुझे इससे ये पता चल गया था कि इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, अब वो कीटोन था उसको एडजस्ट करेंगे,
मतलब इससे मुझे ये पता चल गया 2,4-DNP आएगा क्योंकि कीटोन है, वो तो आना ही था क्योंकि कीटोन है तो 2,4-DNP टेस्ट होगा। अब यहां से मॉलिक्यूलर मास एडजस्ट करूंगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड 44 तो इससे निकल गया, CO2 44 तो उससे निकल गया। अब अपन 74 से 44 माइनस करते बचा 30 अपने पास, मोनोबेसिक एसिड है ना तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 44 तो इससे निकल गया, तो इससे 44 माइनस कर देते बचा मेरे पास 30। अब 30 का मतलब है कि ये C2H5 है। लो भाई मेरे पास एक जगह ये पता चल गया कि अब ओजोन रिलीज भी तुम लोग करे, ओजोन रिलीज भी नहीं बताया आपने, ऐसे कैसे हो सकता है यार अब तक ओजोन रिलीज भी नहीं बताया, तुम लोग करे ओजोन रिलीज भी नहीं बताया और गड़बड़ हो जाएगी। B4 में तो टोलेंस टेस्ट रिएजेंट भी गिवन है, B4 में तो टोलेंस रिएजेंट भी गिवन है, वो भी नहीं कर पाएंगे फिर अपन। B4 में तो टोलेंस रिएजेंट भी गिवन है, बहुत सारा पार्ट है। छोड़ो पहले, मतलब अपन ठीक है, जो टेस्ट आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, आप एक जगह उन टेस्ट को लिखते जाओ पेज पे, एक पेज पे आप लिखते जाओ ठीक है ना, आप एक पेज पे लिखते जाओ, आप एक पेज पे लिखते जाओ ठीक है, एक पेज बना लो बुक में, उस पेज पे लिखते जाओ। तो मैं आपको पहले, क्योंकि ये तो पढ़ाना ही होगा ओजोन रिसर्च, इसको नहीं लिख सकते पर उसको, ये तो अपन को पढ़ना ही होगा क्योंकि ओजोन रिसर्च से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए अपन ओजोन रिसर्च तो अपन को पढ़ना ही होगा। टोलेंस टेस्ट या सिल्वर भरा टेस्ट भी लिख लेते अपन, जैसे एक टेस्ट ही हो गया, ये टेस्ट लिखते जाओ। तो थर्ड में ऐसे कर लेता हूं टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट या फिर सिल्वर मिनर टेस्ट। इट इज गिवन बाय ऑल एलडीएच, इट इज गिवन बाय ऑल एलडीएच, वैसे ना ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही अपन को छोटे 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 पार्ट्स मिलेंगे, तब अपन उनको सॉल्व कर पाएंगे। इट इज गिवन बाय All LDH. टाइम हो गया, हाँ दूसरे क्लास का टाइम हो जाएगा, चलो इसको फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज फिर इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको अपन कंटिन्यू करेंगे।